हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम अब वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से जो कॉलेज की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई जब तक ये कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है। घर से बाहर नहीं निकलेगा कोई, घर पर रहकर ही स्टडी करेंगे, सब वीडियो के माध्यम से करेंगे। कॉलेज आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है और सभी स्टूडेंट्स वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है आप उसको कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरह से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और सारी फैकल्टीज़ वीडियोस अपलोड कर रही हैं, तो आप बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उन सब से भी बोल दीजिए कि वो भी अपना जो पढ़ना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स अपने वीडियो देख लें सभी सब्जेक्ट्स के, सभी ब्रांचेस के, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स सारे ब्रांचेस की वीडियोस आपको कॉलेज के चैनल पर मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम जैसे पता ही आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें काफ़ी हमने वीडियोज़ पहले बना ली हैं, अपने चैनल पर अपलोड की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी थी और आपने वो देख भी ली हैं। तो सारा सिलेबस लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहे थे हमारे, ठीक है। अब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या देखा कि बहुत सारे जो कंपैरिजंस हैं, जो डिफरेंशिएट कराता है वो दो टॉपिक के बीच में, हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो मैं आप जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, इन सारी वीडियोज़ में क्या है कि मैं आपको कंपैरिजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इन कंपैरिजन में आप क्या देखेंगे, हम यूनिट वाइज चल रहे हैं। अभी तक हमने जो दो तीन वीडियो अपलोड करी हैं, आपने अगर वो देखी होंगी तो उसमें जो कंपैरिजन है वो सारे यूनिट फर्स्ट के कंपैरिजन है, यानी कि उन तीन में से अगर यूनिट फर्स्ट से कोई कंपैरिजन पूछा जाता है तो उन तीनों वीडियो में से जो मैंने आपको भेजी है उनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है और ये भी गारंटी है कि एक कंपैरिजन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, किसी ना किसी दो टॉपिक के बीच में एक डिफरेंशिएट ज़रूर कराता है वो। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, जैसे आप सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है आज, सेकंड यूनिट में जो सबसे पहला कंपैरिजन आता है वो जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन आपने पढ़े थे, इनके बीच में कंपैरिजन पूछता है। और आप ये देखेंगे तो 2016-17 का जो क्वेश्चन पेपर है इवन सेमेस्टर का, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर देखेंगे, शायद एग्जैक्ट मुझे इस टाइम पर ध्यान नहीं आ रहा, एक दो बार और रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बहुत ज़्यादा, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक और समझने का प्रयास करना कि क्या क्या हमारा डिफरेंस है जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में, ठीक है। और इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करें और नोट्स बना लीजिए। और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप उतनी बार वीडियो देख सकते हैं, बट अपने नोट्स बनाने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड के लेके आएंगे, यूनिट फोर्थ के लेके आएंगे, यूनिट फिफ्थ के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट सेकंड का जो पहला कंपैरिजन है हमारा वो किस किसके बीच में है, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। ये ब्रेकडाउन हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो जब हम अपने डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं तब ये हमारे ब्रेकडाउन्स होते हैं डायोड में, तो जो जेनर इफेक्ट की वजह से होता है तो वो हमारा जेनर ब्रेकडाउन कहलाता है, और जो एवलांच इफेक्ट की वजह से होता है वो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो जो सबसे पहला है कि जो जेनर ब्रेकडाउन है, क्या लिखा है इसमें कि दिस इज़ ऑब्जर्वड इन जेनर डायोड हैविंग वी जेड बिटवीन 5 to 8 volt, यानी कि कुल मिलाकर जब हमारा रिवर्स बायसिंग में हम अपने डायोड को यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो हमारा ये माना जाता है कि जेनर इफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है, और वो ब्रेकडाउन हमारा जेनर ब्रेकडाउन कहलाता है, ठीक है। अब अगर हमारा 5 से लेके 8 वोल्ट तक ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसके बाद अगर हम वोल्टेज फिर से इंक्रीज़ कर रहे हैं और 8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पर अगर हमारा ब्रेकडाउन होता है तो वो कहलाता है हमारा एवलांच ब्रेकडाउन, यानी कि ये माना जाता है कि वो एवलांच इफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसमें लिखा हुआ अभी ये साफ साफ क्या कि दिस इज़ ऑब्जर्वड इन जेनर डायोड हैविंग वीजेड ग्रेटर दैन 8 वोल्ट, यानी कि 8 वोल्ट से जब ज़्यादा वोल्टेज होगा तब जो अगर ब्रेकडाउन होगा तो वो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, दूसरे पॉइंट, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा, देखिए वो क्या कह रहा है। सबसे पहले जेनर ब्रेकडाउन में देखते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इनटू द कंडक्शन बैंड ड्यू टू वेरी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयरिंग अक्रॉस द नैरो डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो ये इसमें क्या कह रहा है, कुल मिलाकर ये कह रहा है कि जो जेनर ब्रेकडाउन है हमारा,
उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये हमारा डायोड होता है इस तरह से पीएन जंक्शन, इसके बीच में यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस डिप्लीशन लेयर में जो हमारे कैरियर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन कैरियर्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स या इमोबाइल आयन्स हमारे होते हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है, इंटेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि ये जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जनरल ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। किसमें? डिप्लीशन लेयर में, किनका? कैरियर्स का, ठीक है। ऐसी सेम अगर देखें इसमें एवलांच में तो क्या कह रहा है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इनटू कंडक्शन बैंड ड्यू टू द एनर्जी इम्पार्टेड बाय कोलाइडिंग एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे मैं फिर से बताता हूँ, ये हमारा डायोड है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारी डिप्लीशन लेयर है, इसमें इमोबाइल आयंस हमारे हैं, तो हमारे जो ये अगर हमारा पी है ये एन है, तो इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे एन में वो क्या होंगे, हमारे होल्स होंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब हम रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में यहाँ पर हमारा नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो इस नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल्ड होते हैं इधर की तरफ और डिप्लीशन लेयर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से ये रिपेल्ड होते हैं होल्स हमारे और डिप्लीशन लेयर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जब ये मूव करते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, तो डिप्लीशन लेयर में जो हमारे इमोबाइल आयंस होते हैं उनसे जाकर ये टकराते हैं, ठीक है। तो टकराने के बाद ही अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे वो भी क्या होते हैं, उनमें भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक लेवल ऐसा आ जाता है, इतना मूवमेंट हो जाता है कि उस जंक्शन को ब्रेक करके और दूसरी तरफ चले जाते हैं और हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है, किसकी वजह से होता है, कि ये हमारा एवलांच ब्रेकडाउन की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है वी आई करेक्टरिस्टिक्स विद द जेनर ब्रेकडाउन इज़ वेरी शार्प। और ऐसे ही अगर देखें कि एवलांच ब्रेकडाउन में द वी आई करेक्टरिस्टिक्स विद एवलांच ब्रेकडाउन इंक्रीज ग्रेजुअली, इट इज़ नॉट एज शार्प एज द विद एज दैट विद द जेनर ब्रेकडाउन। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूँ अभी, देखिए क्या, अगर जेनर की बात करें तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस तरह से पहले स्टार्टिंग में करंट फ्लो होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, और फिर क्या होता है, शार्प हो जाता है, यानी कि जो ब्रेकडाउन होता है इस तरह से शार्प हो जाता है। अगर एवलांच की बात करें तो एवलांच में क्या होगा, स्टार्टिंग में करंट फ्लो होगा, फिर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होने के बाद जब यहाँ पर होगा तो शार्प ना होकर ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है वी आई करेक्टरिस्टिक्स में, जो इसने बताया है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। चलिए जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि द ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। यानी कि इसमें जैसे ये हमारा है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज सपोज कीजिए यहाँ पर इतने वोल्टेज, ये वोल्टेज है हमारा वी है, फॉरवर्ड वोल्टेज वी आर, तो ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है वी आर, ये यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये ब्रेकडाउन थोड़ा सा बाद में जाके होगा, यानी कि वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज के बाद हमारा ब्रेकडाउन होगा। और अगर बात करें एवलांच की, द ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स, ठीक है। ये जो हमने बताया जेनर ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि पहले ही ब्रेकडाउन हो जाता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और एवलांच में होता है इंक्रीज़, ठीक है, यानी कि वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि 8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पे हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है तो वह एवलांच है। तो सपोज़ कीजिए कि 9 वोल्ट पर अगर अभी किसी मटेरियल में ब्रेकडाउन हो रहा है हमारा डायोड में, तो उसके बाद जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर 9 की बजाय अब 10 वोल्ट पर जाकर ब्रेकडाउन होगा, यानी कि क्या होगा, वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। किसमें? एवलांच में, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। और जेनर में क्या होता है, वोल्टेज हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जेनर में वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, और एवलांच ब्रेकडाउन में वोल्टेज हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है जब हम वोल्टेज को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। वीडियो पूरा देखा करें और सभी स्टूडेंट से बोलें कि वो भी वीडियो पूरा देखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में ये समझ लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 101% आएगा। सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं की सीरीज़ लेकर आया हुआ हूँ अब, ठीक है। पहले मैं आपको क्या करा रहा हूँ, सारे कंपैरिजंस करा रहा हूँ, यानी कि जो डिफरेंस है वो करा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करूँगा और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो, फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करूँगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम करने वाले हैं कवरेज में। चलिए ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंपैरिजन लेके आएंगे, ठीक है। ओके।